बिहार में आज एक बार फिर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाना है। गांधी मैदान में नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांटेंगे और इसके अलावा पूरे राज्य में नियुक्ति पत्र स्थानीय स्तर पर बांटे जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम को लेकर पटना में एक होर्डिंग लगा है जिसमें लिखा है रोजगार मतलब नीतीश कुमार। पटना से प्रकाश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। 2015 में चुनावी नारे के रूप में इसे बुलंद किया गया था। इस वक्त मैं खड़ा हूँ इनकम टैक्स चौराहे पर और आपको मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर में लिखा हुआ है रोजगार मतलब नीतीश सरकार। रोजगार की बहार, शिक्षक नियुक्ति में इतिहास रचता बिहार। आज ये जो होर्डिंग लगा हुआ है ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से लगाया गया है और इसमें नीतीश कुमार का चेहरा है। अंतिम में विशिष्ट अतिथि के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम दिया हुआ है और ये आज कार्यक्रम है। ये तस्वीर, ये पोस्टर बहुत कुछ कह रहा है। लगातार पिछले कई महीनों से जितने भी विज्ञापन आ रहे हैं सरकार की तरफ से उसमें तेजस्वी यादव की तस्वीर गायब है। इसको लेकर कई बार सवाल भी उठे थे, यहाँ तक कि उनके विभाग के भी जो कार्यक्रम होते थे उनमें से भी गायब था। और जो विज्ञापन दिए गए हैं उसमें 2005 में क्या स्थिति थी और 2005 के बाद क्या स्थिति हुई शिक्षा विभाग में, इसकी भी चुनौती और इसकी भी योजना की पूरी जानकारी दी गई है विस्तृत रूप से। ये क्या कहता है, क्या संकेत देता है? क्या कहीं जानबूझ करके ऐसा नहीं किया जा रहा है या फिर कोई और मकसद हो सकता है? इस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं जिस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आने लगेगी। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना। तो पोस्टर में रोजगार के लिए सिर्फ नीतीश कुमार की जय जयकार पर प्रकाश कुमार ने आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से बात की। मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है और तेजस्वी ने 10 लाख रोजगार को जो वादा किया था वो वादा महागठबंधन की सरकार पूरा कर रही है। हमारे साथ है आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। तिवारी जी देखिए, ये पीछे में लिखा हुआ आपके ठीक रोजगार मतलब नीतीश सरकार। अभी तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं तो सरकार तो नीतीश कुमार जी का है। अभी महागठबंधन की सरकार है, नीतीश तेजस्वी की सरकार है, रोजगार की भरमार है। तो सब लोगों को पता है कि श्री तेजस्वी यादव जी ने 2020 में यही वादा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे। जब वो सरकार में आए तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 10 लाख और बढ़ा दिया 20 लाख और वो संकल्प पूरा हो रहा है। तो नीतीश तेजस्वी की सरकार है ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने जो लगाया है उसमें तो तेजस्वी गायब है। सरकार तो नीतीश जी के नाम से ही ना होगा, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में कहा था कि कोई भी कार्य जो होता है वो बिहार सरकार करती है, किसी के नाम का नहीं होता है। लेकिन ये तो नीतीश सरकार है। नहीं तो उन्होंने ठीक ही कहा, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, वो सरकार कर रही है। लेकिन हम तो अपना जो हमारे नेता का जो कमिटमेंट था 2020 के विधानसभा चुनाव में वो इसी मुद्दे पर था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे सरकारी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।